हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके वास्ते मेरे एक पेशेंट का रिजल्ट लाया हूँ। उस पेशेंट के मुंह से सुनिए कि उसे क्या तकलीफ थी, उसे क्या ट्रीटमेंट दिया और उसे आप कैसा लग रहा है। तो हाजी साहब, आपका नाम क्या है? महादेव। महादेव, हाँ। आप क्या काम करते हैं? होटल में। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी? दोस्त का दुखा होता। अच्छा अच्छा, और क्या होता, क्या हो रहा था? कमर, हाथ का चक्कर। हाँ, अजून सब गोल आंग फिर लगता। आंग फिर लगता, चक्करियत होती। चक्करियत जोड़ा समोर अंधारी अंधारी। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे पास आए ट्रीटमेंट के वास्ते, तो आपको क्या निकला फिर? बीपी। आपका बीपी बढ़ गया था? हाँ। कितना था बीपी आपका? 220। 220 ऊपर का? हाँ। और नीचे का? 140। हाँ। तो ये जो बीपी है ये बहुत ज्यादा था। हाँ। ठीक है। हाँ। तो आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। हाँ। ठीक है, कब से था बीपी ये? 2 महीने। तो 2 महीने से आपको सर में दर्द हो रहा था। हाँ। तो ये सर में दर्द क्यों हो रहा था आपको? ले तकलीफ होती थी। आप होटल में क्या क्या खाते थे? तेलगट, पूरी भाजी, भजे, राइस। हाँ। सब जिससे बीपी बढ़ सकता है, चर्बी बढ़ सकती है। हाँ। दूध कौन सा पीते थे? मछली का दूध। हाँ। भैंस का दूध। ठीक है, तो आपको यहाँ आने के बाद बीपी मालूम पड़ा। ठीक है, तो आपका बीपी कितने दिनों में कम हुआ यहाँ पे? एक महीने में कम हुआ। तो आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा, तो आपको हमने क्या ट्रीटमेंट दिया था? सीधा सामने, इधर इधर। हाँ, पीछे लो थोड़ा। हाँ, ये गोली खाए आप? हाँ। ये गोली दिन में कितने बार खाए? दो बार। हाँ, अच्छा, अभी ये रेगुलर खा रहे हैं आप? अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपको? चांगला लग रहा है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? तबियत चांगली है, बीपी वगैरह चांगला है, डोका दुखायचं कमी आता, आंग दुखायचं सगळं कमी आहे। अजून दुसरा काही प्रॉब्लेम नाही? बर, मग तुम्ही आता हे गोळ्या पुढे कंटिन्यू ठेवणार? रोज खावं लागतंय। हां, आता या गोळ्यांमुळे तुम्हाला तुमची तब्येत एकदम फ्रेश वाटते। गोळी भारी आहे। या गोळ्यांबाबत किंवा आमच्या दवाखान्याबाबत किती लोकांना माहिती दिली तुम्ही? 10-12 लोकांना। किती पेशंट आणले तुम्ही इथं? 10-12। कशाचे पेशंट आणले होते? बीपी, शुगर। हां, काय बी म्हणा, कम होते। ते एक आजी आणली होती तुम्ही, कशाची होती ते? शुगरची होती। शुगर। आणि ते एक दम वाली आजी आणली होती। हां, ते किती वर्षापासून दम होता त्याला? ते लय दिवसापासून, 5-6 महिन्यापासून। 5-6 महिन्यापासून आपल्या ट्रीटमेंटने कमी झालंय? कमी झाले। बर, अजून काय सांगायचं तुम्हाला? काय नाही। बर, तुम्ही काम कुठे करता? हॉटेलमध्ये। बर, ठीक आहे, असंच गोळ्या खात राहा आणि आपला उपचार करत राहा, डॉक्टरांसोबत संबंध तोडू नका। दोस्तों, ये थे हमारे दोस्त, हमारे पेशंट माधव शिवलिंग ठाकरे। इन्होंने हमारी ये गोली खाई है जिंको बायलोवा, जो कि बीपी और ब्रेन प्रॉब्लम, पैरालिसिस और डिमेंशिया और समझो कोई नर्व प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में हमारे जिंको बायलोवा ये गोली बहुत ही कारगर और बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे पेशेंट का इस वीडियो में नंबर छोड़ रहे हैं। अगर आपको गरज लगी, ऐसा पूछने का आपको लग रहा है कि भाई ये पेशेंट से हमें बात करना है, तो हम उनका नंबर छोड़ देंगे, आप उनको बात कर सकते हैं कभी भी फोन लगा के। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।